स्लाइड चेंजर जरूरत नहीं है. ओके सही हो पाएंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. आई एम डॉक्टर शाहिदा काशिफ. आई थिंक एआर को ना अनम्यूट कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आवाज़ आ रही है क्लियर या नहीं आ रही है, मैं स्लो जा रही हूँ तो मुझे आइडिया हो जाए. ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सारा आपका आवाज़ आ रही है क्लियर? जी मैं सारी क्लियर आ रही है. ओके फाइन. अच्छा अगर मैं लेक्चर ले रही हूँ आपका, अगर इट्स अ फर्स्ट टाइम ठीक है ना, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो कि मैं बहुत स्पीड में जा रही हूँ या मैं जहाँ क्लियर नहीं हो रहा ना, तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट आप मुझसे वो चीज़ें कह सकती हैं ठीक है ना. ये बार बार बीच में बता दीजिए जहाँ करना हो. क्लियर हो रही है आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी मैं बता दूँगी बीच में. ठीक है ओके चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम. आई एम डॉक्टर शाहिदा काश. ठीक है टुडे टॉपिक इज द लेबोरेटरी डायग्नोसिस. ठीक है बेसिकली द मेन अप्रोच लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो हमारी मेन अप्रोचेस होती है ऑफ द एनी इन्फेक्शियस डिजीज इन द लेबोरेटरी डायग्नोसिस इट्स टू टाइप की हमारी मेन अप्रोच होती है लेबोरेटरी डायग्नोसिस में फॉर डायग्नोज एनी इन्फेक्शियस डिजीज. किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए हमारी दो मेन अप्रोचेस होती हैं. वन इज द बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच, सेकेंड वन इज द सीरोलॉजिकल अप्रोच. फर्स्ट वन इज द बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच, सेकेंड वन इज द इम्यूनोलॉजिकल और द सीरोलॉजिकल अप्रोच. क्लियर? ठीक है तो इन बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग प्रोसीजर. हम स्टेन करते हैं और कल्चर. ठीक है या हम पहला स्टेप होता है हमारा स्टेन करने का, सेकेंड स्टेप होता है हमारा कल्चर करने का. ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग एंड कल्चर वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. इट इज नोन एज अ बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच. इसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच. सेकेंड वन इज द सीरोलॉजिकल अप्रोच. सीरोलॉजिकल मीन इट्स मीन द सीरम. सो वी डील विद द एंटीबॉडीज. ठीक है एंटीबॉडीज और एंटीजीन. ठीक है इसमें यह होता है कि वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म बाय द डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म इन द पेशेंट सीरम. यानी पेशेंट के सीरम में हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं एंटीबॉडी को अगेंस्ट एनी ऑर्गेनिज्म. ठीक है इट इज नोन एज अ सीरोलॉजिकल अप्रोच. यानी जहां पर हम एंटीजन एंटीबॉडी की बात करेंगे वो सीरोलॉजिकल अप्रोच होगी. जहां पर हम स्टेनिंग और कल्चर की बात करें इट इज नोन एज अ बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच. इन दोनों अप्रोच को लेके हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्टिव डिजीज को द लेबोरेटरी. क्लियर? नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट स्टेप. लेट सी द एक्चुअल लेबोरेटरी वर्क. अब हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं इन द बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच में. चूजिंग द एप्रोप्रिएट स्पेसिमेन. ठीक है हमने अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन चूज करना है. फॉर एग्जाम्पल ब्लड हो, यूरिन हो, स्टूल हो, थ्रोट स्वाब हो. ठीक है हमने चूज करना है अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन एंड देन ऑब्टेनिंग द स्पेसिमेन प्रॉपरली टू अवॉइड द कंटेमिनेशन. ठीक है हमने स्पेसिमेन को ऑब्टेन करना है या कलेक्ट करना है प्रॉपरली टू अवॉइड द कंटेमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ब्लड कल्चर की बात कर रहे हैं, ब्लड कल्चर में अगर हम लोग वेनोपंक्चर करते हैं या ब्लड ड्रॉ करते हैं तो हमें उसमें एसेप्टिक मेजर्स लेने पड़ते हैं. हमें स्किन को क्लीन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द सॉप और द आयोडीन से करते हैं, अल्कोहल से करते हैं टू अवॉइड द कंटेमिनेशन और बाय द नॉर्मल फ्लोरा. फॉर एग्जाम्पल स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस. इसी तरह से हम यूरिन की हम बात करेंगे तो यूरिन में हम मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं. ये जो इनिशियल यूरिन होता है उसको अवॉइड कर देते हैं. सेकेंडली भी मिड स्ट्रीम यूरिन को हम कलेक्ट करते हैं. इसी तरह से टू अवॉइड द कंटेमिनेशन तो करना होता है हमें ताकि हम प्रॉपरली स्पेसिमेन को कलेक्ट कर सकें. द थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्टिंग द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी और स्टोरिंग इट करेक्टली. अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा इन द बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच. इसमें बेसिकली ये होता है कि हमें जो भी सैंपल लेंगे उसको हमने प्रॉम्प्टली अपने सैंपल लेबोरेटरी में पहुँचाना है. अगर इन केस कुछ अब तो ऐसा नहीं होता है. अब पहले ऐसा होता था कि यूरिन सैंपल हमने बॉटल दे दी या स्टूल की बॉटल दे दी. अभी पेशेंट से कहा कि आपने ये स्टूल और यूरिन
सैंपल कलेक्ट करके लाना है होम से. अब पेशेंट को ये बात पता ही होती है कि भाई अगर आप होम से कलेक्ट करें तो विद इन वन आवर इसकी प्रोसेसिंग शुरू होनी चाहिए. पेशेंट ने अवॉइड किया मॉर्निंग में और वो लेके शाम में आ रहा है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसमें रिजल्ट्स आपके जो होते हैं वो गलत आते हैं, ठीक है. तो इसमें प्रॉपर चीज ये कि आप पेशेंट से कहें कि विद इन वन आवर, यानी इसको आप एक्सप्लेन करें कि आपने विद इन वन आवर इसको यूरिन को प्रोसेसिंग के लिए देना है, ठीक है. पहली बात तो ये होगी ट्रांसपोर्टिंग, इट्स मीन कि आपने ट्रांसपोर्ट किया विद इन वन आवर. हर एक का डिफरेंट होता है, चाहे स्टूल हो चाहे यूरिन हो, ठीक है. इवन एच वी एस हो, रीजनल स्वैब की बात कर रही हूँ, ठीक है. देन स्टोर, अगर मैं यूरिन की एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैंने यूरिन का सैंपल आ गया है और वो प्रोसेस नहीं हो रहा है. हेलो हेलो सारा, हेलो 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 आवाज आ रही है. हेलो अच्छा ठीक है बस सारा को अनम्यूट है. हेलो सारा. यस सर, अभी अनम्यूट हुई, आवाज आ रही है. अच्छा तो ठीक है, बात करो मैडम. हेलो हेलो जी. हाँ बेटा, आवाज आ रही है आपको? यस मैं सारा आवाज. अच्छा क्लियर हो रहा है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को? स्पीड में तो नहीं हो रहा? मिस बिल्कुल सही चल रही है, क्लियर है सब कुछ ठीक है. हेलो 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 मैम. हाँ एक मिनट बेटा रुक जाओ, यहाँ प्रॉब्लम्स. हो गया ठीक है, चलें ठीक है. फोर्थ वन इज द प्रोवाइडिंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू गाइड द लेबोरेटरी पर्सनल. इसमें ये होता है कि हम
जो लेबोरेटरी पर्सनल होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, एज, जेंडर, ठीक है ना, टेलीफोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और ब्रीफ हिस्ट्री. ठीक है, तो ये बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच होती है, यानी आपने अप्रोप्रिएट सैंपल देखना है. ठीक है, अवॉइड कंटेमिनेशन करनी है, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रोवाइड द एसेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, अबाउट द पेशेंट. नाउ नेक्स्ट इज द, इन जनरल देयर आर थ्री अप्रोचेस टू द बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी वर्क. ठीक है, अब आपका सैंपल आ गया है लेबोरेटरी में, ठीक है ना, अब आपका क्या प्रोसीजर शुरू होगा. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व द ऑर्गेनिज्म इन द माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग. ठीक है, अब स्टेन आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से, दो तरह की स्टेनिंग होती है जो डॉक्टर कमल पढ़ा चुकी हैं आपको. वन इज द राम स्टेनिंग, सेकेंड वन इज द ए वी स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग. ठीक है, अब हम राम स्टेनिंग की बात करते हैं. सो वी ऑब्जर्व द ऑर्गेनिज्म अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर द स्टेनिंग. ठीक है, अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव. ग्राम नेगेटिव होगा ऑन द बेसिस ऑफ द कलर. ठीक है, अगर ग्राम नेगेटिव है इट्स मीन इट्स पिंक कलर. ठीक है, और इफ ग्राम पॉजिटिव इट्स पर्पल कलर. मतलब पर्पल कलर है तो इट्स मीन वो ग्राम पॉजिटिव है, अगर पिंक कलर है इट्स ग्राम नेगेटिव. पहली बात तो ये होगी. सेकंड क्या हम देखते हैं इसके अंदर, अरेंजमेंट. ठीक है, अरेंजमेंट क्या है, या तो चेन में है या तो क्लस्टर में. अगर क्लस्टर में तो वी से इज अ स्टेप और स्टेप. अगर चेन में है इट्स मीन स्ट्रेप. सेकेंडली शेप, शेप कैसी है. ठीक है, अगर शेप अगर सर्कल है, राउंड है, इट्स मीन कोकाई. अगर राउंड है और क्लस्टर में तो स्टेपलो कोकाई. ठीक है, अगर राउंड है और चेन में है तो स्टेपलो कोकाई. क्लियर हो रही है बात. देन अगर सेम वही है कि शेप अगर कोकाई है तो राउंड शेप है, अगर रॉड शेप में होगा इट्स मीन बेसिला. क्लियर, तो हमने कहा इट्स ग्राम नेगेटिव बेसिला है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्टेप ऑयस और स्टेप ऑयो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग. अब हमने स्टेनिंग कर ली, अब हमने ग्राम स्टेनिंग के बाद हमारे थर्ड आएगा कल्चर, प्योर कल्चर. टू ऑब्टेन अ प्योर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय इनोकुलेटिंग इट ऑन टू अ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम. अच्छा, अब मीडियम कौन से होते हैं हमारे पास. हमारे पास सबसे कॉमन मीडियम कौन सा है, ब्लड एगार. ठीक है, ब्लड एगार मीडियम होगा. सेकेंड होगा मेकॉन की, वो डिफरेंशियल होता है और सिलेक्टिव मीडियम होता है. इसके अलावा हमारे बहुत सारे मीडियम जो मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन जो मेन मीडियम हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी इज द ब्लड एगार, सेकेंड वन इज द मेकॉन्की एगार. ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्लड एगार, मेकॉन्की एगार. ठीक है, ये दोनों आपको एगार्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अब ब्लड एगार आप इनोकुलेट करेंगे और मेकॉन्की इनोकुलेट करेंगे. इनोकुलेट करने के बाद आप इसको इनक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर. ठीक है, तो उसमें बाकायदा आइसोलेटेड कॉलोनीज आपको नजर आएंगी. ठीक है, इट्स मीन प्योर कल्चर. अब प्योर कल्चर ग्रो हो गया किस पे, मीडियम पे. ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा. थर्ड स्टेप पे क्या होगा, वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, सिलेक्टिव मीडिया, डीएनए प्रोब या पीसीआर कह लें आप लोग, और एंटीबॉडी रिएक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग. वी ऑब्जर्व द ऑर्गेनिज्म ऑन द माइक्रोस्कोप अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर द स्टेनिंग, पहला स्टेप हो गया. देन मीडियम, द ब्लड एगार और द मेकॉन की एगार. ठीक है, थर्ड इज द बायोकेमिकल रिएक्शन, और ये स्पेसिफिक टेस्ट होंगे हमारे जो आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेंगे ऑर्गेनिज्म. क्लियर, तो जब भी कोई चीज लैब में, कोई भी सैंपल लैब में आएगा, पहले माइक्रोस्कोपी करेंगे, देन कल्चर करेंगे, थर्ड इज टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, सिलेक्टिव मीडिया, PCR और एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएक्शन. क्लियर, ओके, सेम थिंग. ये टेबल शो किया, ये आपके लेविंसन की बुक में है, 9 चैप्टर 9 में है, 1 पहला टेबल है. सेम वही चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, वही है. फर्स्ट स्टेप ऑब्टेन द स्पेसिमेन फ्रॉम द इन्फेक्टेड साइट, सेकेंड स्टेप में आपकी स्टेनिंग होगी, थर्ड में कल्चर होगा, फोर्थ में आपके अप्रोप्रिएट टेस्ट होंगे, फिफ्थ वन इज द परफॉर्म द एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है, अब ये पांच आपको याद होने चाहिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के लिए. ठीक है, कैसे, ऑब्टेन द स्पेसिमेन फ्रॉम द इन्फेक्टेड साइट, फॉर एग्जाम्पल ब्लड. ठीक है, सेकेंड स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और एवी स्टेनिंग, थर्ड इज द कल्चर. कल्चर कर दिया आपने, ब्लड एगार पे कर दिया, ठीक है, प्योर कल्चर या मेकॉनिकी पे. देन फोर्थ इज द एप्रोप्रिएट टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल PCR, एंटीबॉडी बेस एग्जामिनेशन, इम्यूनोफ्लोरोसेंस, ठीक है, शुगर फर्मेंटेशन, देयर डिफरेंट सो मेनी टेस्ट. ठीक है, आप जो स्पेसिफिक होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के लिए. थर्ड, फिफ्थ वन इज द परफॉर्म द
antibiotic susceptibility testing. Antibiotic susceptibility testing. यानी आपने अगर कभी रिपोर्ट देखी हो ब्लड कल्चर की तो उसमें आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि ऑगमेंटिन सेंसिटिव है, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, SR लिखा होगा, ठीक है ना. इट्स एंटीबायोटिक सस्सेप्टिबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है, इसमें हम एंटीबायोटिक डिस्क लगाते हैं टू चेक द कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है. क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका जनरल अप्रोच टू द डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नाउ कम हाउ टू डायग्नोस अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हेन अ कल्चर इज नेगेटिव. अब एक तो कल्चर पॉजिटिव था, हमने आगे स्टेप्स कर लिए सारे, ठीक है ना. कल्चर पॉजिटिव आ गया, मैंने कहा कि भाई मैं डिफरेंट टेस्ट लगाऊंगी, मैं कंफर्म ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर लूं. फिर थर्ड फिफ्थ स्टेप में मैंने एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगा दी. अब क्या हुआ कि मेरे पर कल्चर नेगेटिव आ गया है, लेकिन पेशेंट जो है में साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट में साइन सिम्टम्स आ रहे हैं और मेरे पर कल्चर नेगेटिव आ गया है. ठीक है, तो इट्स मीन कल्चर नेगेटिव है. अब मुझे क्या, मेरी क्या अप्रोच होगी, मेरी अप्रोच होगी डिटेक्ट द एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम. इट्स मीन सीरोलॉजिकल अप्रोच होगी मेरी. ठीक है, कौन सी अप्रोच होगी, अभी सीरोलॉजिकल अप्रोच होगी. पहले मैंने बैक्टीरियल अप्रोच की, अब मेरी होगी सीरोलॉजिकल अप्रोच. ठीक है, डिटेक्ट द एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम. ठीक है, अगर एक्यूट कंडीशन होगी, ये बात समझ ले बस ना, एक्यूट कंडीशन होगी तो कौन सी एंटीबॉडी रेज होगी, IgM. क्लियर? अगर पेशेंट रिकवर्ड कर रहा है तब भी आपको IgM मिलती है. इट्स अ फोर फोल्ड राइज होगी. इट्स मीन पेशेंट इन द एक्यूट कंडीशन या रिकवरी कंडीशन में आ रहा होता है. ठीक है, अगर IgG है क्रॉनिक स्टेट में या पेशेंट रिकवर्ड हो चुका है या प्रीवियस इन्फेक्शन है. क्लियर बात? एक्यूट कंडीशन में IgM रेज्ड होगा, क्रॉनिक में या प्रीवियस इन्फेक्शन को इंडिकेट क्या कर रहा होगा, IgG. पहली बात होगी, इट्स अ डिटेक्ट द एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम. ठीक है, सेकंड स्टेप डिटेक्ट द एंटीजन इन द पेशेंट सीरम. पहले हमने एंटीबॉडी डिटेक्ट की या तो हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, यूज द नोन एंटीबॉडी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब नोन जिनकी एंटीबॉडीज होती है, हम जो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट होते हैं हमारे, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टू डिटेक्ट द एंटीजन इन द टिश्यू, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टू डिटेक्ट द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन इन द स्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, ये मेथोडोलॉजी बता रहे हैं कि हम किस तरह से आपकी एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं जबकि हमें नोन एंटीबॉडी पता हो. तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी. एक होता है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी, ठीक है, सेकेंड होता है लैटेक्स एग्लूटिनेशन. ठीक है, तो ये दो मेथोडोलॉजी है. फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एक होता है लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होगा. ठीक है, इसमें हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं एंटीजन. थर्ड इज द टू डिटेक्ट द DNA और द न्यूक्लिक एसिड, DNA और द RNA इन द पेशेंट सीरम. तो इसका सबसे बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड द DNA प्रोब. आपको इतना भी पता हो कि PCR हम यूज करते हैं. तो पहला क्या है, इफ द बैक्टीरियल कल्चर इज नेगेटिव, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कल्चर इज नेगेटिव, ठीक है, तो वी डिटेक्ट द एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम. पहली बात होगी, या तो डिटेक्ट द एंटीजन इन द पेशेंट सीरम और डिटेक्ट द DNA और RNA इन द पेशेंट सीरम स्पेसिमेन, फॉर एग्जाम्पल PCR और DNA प्रोब. क्लियर? समझ में आ रही है सारा? बहुत स्पीड भी तो नहीं आ रही मैं बेटा? नहीं, मैं समझ आ रही है. ठीक है ना बेटा, सही है. तो ये हमारे पास हो गया इम्यूनोलॉजिकल अप्रोच. क्लियर? ओके, टेबल थ्री शो द कॉमनली यूज बैक्टीरियोलॉजिकल एगार्स एंड देयर फंक्शन. ठीक है, एग्जाम में BCQs में आपके ये आ सकता है. ठीक है ना, कौन सा एगार हम किसके लिए यूज करते हैं. यहाँ पर जो एगार की लिस्ट दी हुई है आपको, ये स्पेसिफिक एगार है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए. ब्लड तो हम बहुत सारे बैक्टीरिया यूज करते हैं. मोस्टली हम ये कर लें कि ये जर्नल एक मीडिया होता है, जर्नल एगार होता है, इसमें तक हर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है. ठीक है, बैक्टीरियल. ठीक है, लेकिन अगर हमने कहा कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली कन्फर्म करना है कि यही ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए हम डिफरेंट जो है स्पेसिफिक एगार यूज करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल वॉटेड जेनोवा, ठीक है, फॉर द वॉटेडला पर्टूसिस, चारकोलीज एक्सट्रैक्ट, चॉकलेट. अच्छा, चॉकलेट बहुत कॉमनली यूज होता है और एग्जाम में आता भी है. चॉकलेट एगार बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी हीट द ब्लड एगार, जब हम ब्लड एगार को हीट करते हैं तो क्या होता है, इट इनएक्टिवेट द इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ. तो जो नजेरिया मेनिनजाइटिस और नजेरिया गोनोरिया है हमारे पास, ठीक है ना, तो वो ब्लड एगार पे ग्रो नहीं कर पाते. तो हम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जो कि उसको इनहिबिट करते हैं. तो जब हम ब्लड एगार को हीट करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू द चॉकलेट और इट इनएक्टिवेट द इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ. तो उसके जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको
को इनएक्टिवेट कर देता है, तो वो इजीली हमारा जो होता है कि नाइजेरिया मेनिंजाइटिस गोनोरिया जो होता है वो इसमें ग्रो कर जाता है इजीली, क्लियर? ठीक है, इसी तरह से अगर हम चॉकलेट एगार के अंदर फैक्टर 10 और फैक्टर 5 ऐड कर देते हैं, सो इसमें हेमोट्स इन्फ्लुएंजा जो है इजीली ग्रो कर जाता है। ये दो एगार बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट वन इज अ ब्लड एगार, ठीक है, सेकेंड इज अ चॉकलेट एगार, और चॉकलेट एगार प्लस फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5 विच इज द हेमेटिन एंड द एनएडी, ठीक है, ये तीन एगार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिफ्थ वन इज अ लिविसन जेंसन्स एगार विच इज यूज इन द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं एलजे मीडियम, ये आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में भी इंशाल्लाह जब हमारा प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप उसमें देखेंगे भी। तो लिविसन जॉनसन्स मीडिया जो होता है यूज फॉर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, उसके लिए यूज होता है, बल्कि ये बहुत स्लो होता है, इसे बहुत स्लो ग्रोथ होती है, अराउंड 6 वीक्स लग जाते हैं फॉर ग्रोथ, ठीक है ना। थर्ड वन इज अ मिकॉन की, मैं इस पर सारे अब वो नहीं करी जो इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रही हूँ। तो पहले हमने ब्लड कर लिया, चॉकलेट कर लिया, चॉकलेट एगार प्लस फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10, ठीक है, लिविसन जॉनसन या एलजे मीडियम फॉर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए हो गया, ठीक है। मिकॉन की इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किस कलर का होता है, ये होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, जो सेलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया। सेलेक्टिव क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को, और सेलेक्टिव मीडिया हो गया, इट्स मीन यहाँ बस सिर्फ ग्राम नेगेटिव को ग्रो करता है ये, ठीक है, और डिफरेंशिएट करता है बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, क्लियर हो रही है बात? ओके, ये मैं इंपॉर्टेंट सिर्फ मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्लड, चॉकलेट, चॉकलेट अगर आप प्लस फैक्टर्स, एलजे मीडिया, मिकॉन की। नाउ कम टू द डिफरेंट मेथड, ठीक है, फर्स्ट इज द ब्लड कल्चर, ठीक है, ब्लड जब आप कब परफॉर्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कब परफॉर्म करते हैं, सॉरी मुझे फीडबैक्स नहीं मिले तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि अच्छा होता है स्टूडेंट्स बता दें कि उनको कितना किस लेवल पर बोलोगे, ठीक है। तो ब्लड कल्चर आप परफॉर्म मोस्ट व्हेन द सेप्सिस में, यानी हम कब रिकमेंड करेंगे कि कब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ब्लड कल्चर करवाना है, अगर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और निमोनिया, ठीक है, इन कंडीशंस में हम लोग रिकमेंड करते हैं और परफॉर्म करते हैं ब्लड कल्चर, ठीक है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कुकाय में 2 होते हैं और ग्राम नेगेटिव में 3 होते हैं, जो मोस्ट कॉमन बात करिए, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव कुकाय में स्ट्रेप्टोकोकाई ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव में क्या है, इकोलाय, क्लेब्सिला नमूनी एंड सीडोमोनास एरोजिनोसा, ठीक है। आपने क्या चीज याद करनी है, आपने याद करना है इंडिकेशन, ब्लड कल्चर कब कब हम लोग करवाते हैं, कब परफॉर्म करवाते हैं, इन कंडीशंस परफॉर्म करवाते हैं, सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और नमूनिया, ठीक है, ये आपके ऑस्पी में आ सकता है ये, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनिज्म बता दिए हमने, स्टेप ऑरियस, स्टेप नमूनी और इकोलाय, क्लेब्सिला, सीडोमोनास एरोजिनोसा, ठीक है। नाउ कम टू द एसेप्टिक टेक्निक, किस तरह से हम जो है ऑब्टेन करते हैं ब्लड कल्चर को, पहली बात तो ये चीज याद रख लें कि ब्लड कल्चर की बॉटल्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है, मोस्टली हम 2 लेते हैं बॉटल्स ना, एक एरोबिक होता है, 1 फॉर द एरोबिक, सेकंड 1 फॉर द एनएरोबिक, और पीडियाट्रिक डिफरेंट होती है, तो न्यू बॉटल्स होती है कलर कैसे होते हैं, एरोबिक के लिए ग्रीन, एनरोबिक के लिए जो कैप होता है इसका ऑरेंज कलर होता है, और फॉर द पीडियाट्रिक इट्स अ येलो कैप, ठीक है, तो ये तीनों के डिफरेंट कैप्स होते हैं। अब कितना हमने ऑब्टेन करना है ब्लड, हमें रिक्वायर्ड 10 ml, ठीक है, हमें 10 ml ब्लड रिक्वायर्ड होता है फॉर द ब्लड कल्चर, ठीक है, एडल्ट की बता रही हूँ, ठीक है, और अगर पीडियाट्रिक की बात करेंगे, वी रिक्वायर्ड 1 to 4 ml ब्लड फॉर पीड्स, ठीक है, एडल्ट के लिए 10 ml और पीड्स के लिए या चिल्ड्रंस के लिए हम रिक्वायर्ड 1 to 4 ml ब्लड, ठीक है, और देन वी इनोकुलेट और एड इनटू द 100 ml रिच ग्रोथ मीडियम सच एज अ ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ, देन इसके अंदर क्या है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ होता है, इसके अंदर हम 10 ml ब्लड एड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, इन्फ्यूज कर देते हैं दोनों ब्रॉथ में, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये तो हमारा हो गया
एसेप्टिक मेजर्स हमें पता है आजकल तो सबको ही पता होंगे क्योंकि कोरोना वायरस के किस तरह से हैंड वॉश करना है, आपने अपनी जो बॉटल्स होती हैं उनको उसके टॉप को क्लीन करना तो होता है विद द हेल्प ऑफ द अल्कोहल, देन ग्लव्स, देन क्लीन द एरिया विद द हेल्प ऑफ द अल्कोहल और आयोडीन, ठीक है, देन ड्रॉ द ब्लड, देन इन्फ्यूज इनटू द ब्लड कल्चर बॉटल एंड देन रिकॉर्ड द पेशेंट नेम, जेंडर, एज और डेटा, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है, देन वी इंक्यूबेट द ब्लड कल्चर बॉटल इनटू द इंक्यूबेटर फॉर 24 आवर, ठीक है, आपने 24 आवर के लिए इन बॉटल्स को इंक्यूबेट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हम बैकटेक यूज करते हैं जो आपकी नीचे लैब में भी है, ठीक है, उसमें हम इंक्यूबेट कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है, बट हम क्या करते हैं इंक्यूबेटर के अंदर इंक्यूबेट करते हैं एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर। तो अगर हमने इंक्यूबेट किया है तो क्या होगा, हम क्या करेंगे आफ्टर 24 आवर के बाद बॉटल्स को निकालेंगे एंड चेक द टर्बिडिटी, अगर वो टर्बिडिटी होगी इट्स मीन ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव, क्लियर हो रही है बात, अगर टर्बिडिटी होगी तो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव, अगर टर्बिडिटी नहीं है इट्स नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन हमने वी चेक डेली, हम डेली चेक करेंगे फॉर 7 डेज, 7 डेज तक हमने इसको फ्रिक्वेंटली चेक करना है, 7 डेज के हम बाद हम रिकमेंड करेंगे कि इट्स नेगेटिव, ठीक है, इनिशियल रिपोर्ट जब देंगे तो उसमें कहेंगे कि नो ग्रोथ, लेकिन हम उसको फाइनल रिपोर्ट देंगे आफ्टर 7 डेज, ठीक है, ये तो मैं आपको इंक्यूबेटर की बता रही हूँ। इंक्यूबेटर में हम लोग क्या करते हैं, हम इंक्यूबेट करेंगे एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 24 आवर्स टिल 7 डेज तक करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम बैकटेक की बात करें, जो बैकटेक यहाँ पर लेटेस्ट मशीन आ रही है उसमें हम क्या करते हैं बॉटल्स को रखेंगे तो वो हमें खुद अलर्ट देगी, खुद सिग्नल देगी कि इसमें ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव है या नहीं है, क्लियर, ठीक है, अगर टर्बिडिटी आ गई, ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव शो हो रहा है तो अपने क्या करना है वही पैथोलॉजी करनी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बैक्टीरियल अप्रोच क्या थी, पहले स्टेनिंग करेंगे विच इज अ ग्राम स्टेन, देन वी गो फॉर द कल्चर विच इज नोन एज अ सब कल्चर, ठीक है, थर्ड इज द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, ये बस याद करना है आपने कि आपकी बैक्टीरियल अप्रोच क्या है, ठीक है, स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, देन सब कल्चर एंड द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग टेस्ट, ठीक है, या सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं सर, ठीक है, अगर ग्रोथ पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, अगर ग्रोथ पॉजिटिव नहीं आ रही, ठीक है, और ये पेशेंट में सिम्टम्स हैं तो अब हम ब्लाइंड सब कल्चर करेंगे, है ना, ब्लाइंड सब कल्चर करते हैं ऑन द अदर मीडिया। अब मैंने कहा कि पेशेंट के सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं या मेरे पास हिस्ट्री है पेशेंट की, ठीक है, तो अब मैंने जो सिलेक्टिव मीडिया है ये उस पर मुझे मैंने ब्लाइंडली सब कल्चर करना होता है, ठीक है, तो कल्चर शुड बी हेल्ड फॉर 14 डेज when the infective endocarditis, fungal infection, fungemia, or infection by the slow growing bacteria, which is example, Brucella, is suspected. अगर patient infective endocarditis से आए, patient को fungemia है, ठीक है, और या तो patient के जो infection, slow growing infection है, अगर मैं suspect कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं culture करूँगी, for the 40 days तक मैं उसको रखूँगी, clear हो रही, otherwise, 7 days पे हम final report देके, उसको कर देते हैं, फाइनल, ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे सस्पेक्ट कर रही है कि भाई ये स्लो ग्रोइंग है, पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन है या तो हम इसको होल्ड करेंगे फॉर 14 डेज, क्लियर। तो ब्लड कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितना एमएल आप ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसकी इंडिकेशन क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं इसके, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, पीडियाट्रिक में कितना ड्रॉ करते हैं 1-4 ml करते हैं, एडल्ट्स में 10 ml ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो मीडियम इज अ ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन होता है, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए आपको, क्लियर, ओके, नाउ कम टू द थ्रोट कल्चर, ठीक है, थ्रोट कल्चर की इंडिकेशन इज द मोस्ट कॉमन इज अ फ्रेंजाइटिस, ठीक है, अब फ्रेंजाइटिस कॉज मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, ठीक है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इज द फ्रेंजाइटिस, ठीक है, common organism is streptococcus pyogen, is also caused by the diphtheria and the gonococcal infection, the pharyngitis patient hai, theek hai, to we go for the throat culture, theek hai, or the thrush, oral thrush is mostly is caused by the candida albicans, thrush to aap sabko pata hota hai jab aapke white curd like appearance aa jati hai throat ke andar ya mouth ke andar, it is caused by the fungal infection which is a candida albicans, albicans means the white color, theek hai,
तो फेरेंजाइटिस मोस्ट कॉमनली कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजी एंड देन डिप्थेरिया एंड द गोनोकोकल फेरेंजाइटिस. ठीक है, तो फेरेंजाइटिस की कंडीशन में या ओरल थ्रश में या फेरेंजाइटिस थ्रश जो होता है उसमें हम थ्रोट कल्चर करते हैं. और थ्रोट कल्चर में हम किस तरह सैंपल लेते हैं, वी टेक द स्वाब स्टेज स्वाब एंड टच द पोस्टीरियर फेरिंग्स बोथ द टॉन्सिल्स एंड टॉन्सिलर फोसा, वहां से भी हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं. देन इनोकुलेट इनटू द ब्लड एगार प्लेट, ब्लड एगार प्लेट पे इनोकुलेट कर देते हैं. ठीक है, ओके. अब करना क्या है, अब हम कहा कि हमने ब्लड एगार पे इनोकुलेट कर, ये क्या है, ये है बार ब्लड एगार. क्लियर हो रही, कलर से मालूम पड़ा ब्लड एगार. ठीक है, अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है. मैंने कहा इट्स द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द फेरेंजाइटिस. ठीक है, तो अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है या अदर स्ट्रेप्टोकोकस है. तो इसका डिफ्रेंशिएटिंग का तरीका ये है, वी पुट द बेसिट्रेसिन डिस्क, बेसिट्रेसिन डिस्क एंटीबायोटिक. ठीक है, वो मैंने यहाँ पर प्लेट पे इनोकुलेट कर दी. ठीक है, पहले मैंने ऑर्गेनिज्म को इस पे ग्रो किया ब्लड एगार के ऊपर, ब्लड एगार पे ग्रो हो गया. ठीक है, ग्रो हो गया. ठीक है, अब यदि मैं समझ लें यूं कर ले कि मैंने दो जगह डिवीजन कर दी. ठीक है ना, ये इस पे दो ऑर्गेनिज्म दिखा रहे हैं एक साथ ना, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अलग है. इज अ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, दिस वन इज अ स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिन, ग्रुप ए इट्स अ ग्रुप बी. ये हम आगे आपको जब इंशाल्लाह क्लिनिकल पढ़ाएंगे ना तब उसमें आपको देंगे स्ट्रेप्टोकोकस को. यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन. क्लियर जोन आ जाएगा, अगर इनहिबिट करेगा तो क्लियर जोन आएगा. यहाँ पे इनहिबिशन नहीं हो रही तो यहाँ क्लियर जोन नहीं है. ठीक है, जब ये क्लियर जोन आ गया इट्स मीन इट्स अ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन. अ क्लियर जोन नहीं आया इट्स मीन इट्स अ स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिन और द नॉन ग्रुप ए. हो रही बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो अगर क्लियर जोन आया इट्स मीन इनहिबिट द ग्रोथ इट्स मीन इज अ ग्रुप ए, अगर क्लियर जोन नहीं आया इट्स मीन अ ग्रुप नॉन ग्रुप ए इज अदर अदर देन द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन. ठीक है, ये हो गया हमारा थ्रोट. फ्लूड कल्चर इंडिकेशंस क्या है, मेनिंजाइटिस. ठीक है, मोस्ट कॉमन इज अ मेनिंजाइटिस. ठीक है, इनकेफलाइटिस में, ब्रेन एब्सेस में, सबड्यूल एम्फाइमा में क्या होता है, दे डोंट शो द पॉजिटिव कल्चर. अगर उसे हम कल्चर करते भी हैं तो वो पॉजिटिव नहीं आता, मोस्टली वो नेगेटिव आते हैं. ठीक, तो मेन जो है हमारा होता है मेनिंजाइटिस होता है. और द मोस्ट कॉमन एक्यूट ब्रैक्टियल मेनिंजाइटिस कॉजेस आर थ्री इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ नेसेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंड एच इन्फ्लुएंजा. याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्री इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द मेनिंजाइटिस, क्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नेसेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंड एच इन्फ्लुएंजा, दीज थ्री ऑर्गेनिज्म कॉज द एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. ठीक है, बाकी कंडीशन जो बताई मैंने आपको, इनकेफलाइटिस, ब्रेन एब्सेस, सबड्यूल एम्फाइमा में, इसमें कल्चर्स नेगेटिव शो होते हैं. ठीक है, ओके. अब मैंने कहा कि ये तीनों जो है ऑर्गेनिज्म, नेसेरिया मेनिंजाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, इनकैप्सुलेटेड है, इनमें कैप्सूल है. ठीक है, जब कैप्सूल है तो मैं बेसिकली हम जो इसके लिए टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट जो करते हैं वो क्या होता है, क्वेलिंग टेस्ट. क्वेलिंग टेस्ट में ये होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली कैप्सूल होता है स्वेल हो जाता है, ये मैं आपको आगे बताऊँ डिटेल में. तो हम वी डू द क्वेलिंग टेस्ट, एक क्वेलिंग टेस्ट करते हैं और एक थर्ड हम सेकंड करते हैं इम्यूनोफ्लोरोसिस विद द स्पेसिफिक एंटीसीरा विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी. अब ये याद करिए क्वेलिंग टेस्ट, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी विद पिक्चर, और इम्यूनोफ्लोरोसिस विद द स्पेसिफिक एंटीसीरा. ठीक है, अच्छा मैम आप पिछली वाली स्लाइड दोबारा दिखा सकती हैं, किसी ने मिस किया है स्टूडेंट. ये चीज इंडिकेशंस, यस मिस, पीछे वाली बेटा, अच्छा ठीक है. अच्छा, इसमें हमने कहा कि इंडिकेशन हमारी आई थी मेनिंजाइटिस थी. ठीक है, और जिसमें आपका पॉजिटिव कल्चर आता मोस्टली. ठीक है, अब की में हमारा मोस्टली नेगेटिव आता है,
इंसेफ्लाइटिस बी नेप्सिस सब्यूरल में. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है कौन से, नेजेरिया मेनिनजाइटिस, स्ट्रेप नमूनी एंड एच इन्फ्लुएंजा. ये सारे तीनों ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, ये तीनों इनकेप्सुलेटेड है. तो आइडेंटिफाई द दिस ऑर्गेनिज्म वी यूज द क्वेलिंग टेस्ट. ठीक है, एक क्वेलिंग टेस्ट करवाते हैं. सेकेंड वन इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी. ये दोनों टेस्ट मैं आपको आगे थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी विद पिक्चर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. अच्छा, अब जो थर्ड पॉइंट है, कल्चर आर डन ऑन द ब्लड ऑन द चॉकलेट एगार एंड इनक्यूबेट एट 35 डिग्री इन 5% कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर हेमेटिन एंड निकोटिन अमाइड एनएडी विच इज द एक्स यानी फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10 आर एडेड टू द एनहांस द ग्रोथ ऑफ एच इन्फ्लुएंजा. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. हमने क्या करना है, इन ऑर्गेनिज्म को ब्लड एगार पे इनोकुलेट करना है और चॉकलेट पे. ब्लड एगार को चॉकलेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वी हीट द ब्लड एगार सो इट कन्वर्ट टू द चॉकलेट एगार. ठीक है, पहली बात तो हमने ये कर ली. देन वी एड द टू फैक्टर हेमेटिन और एनएडी. दो फैक्टर होते हैं, फैक्टर 10 और फैक्टर 5. जब इसके अंदर हम एड करते हैं तो इट एनहांस द ग्रोथ ऑफ एच इन्फ्लुएंजा. ठीक है, जो मैं आपको लिस्ट दे चुकी हूँ पहले भी कि अगर हमें एच इन्फ्लुएंजा को ग्रो करना है तो वी यूज द चॉकलेट एगार विद फैक्टर 5 और फैक्टर 10. ठीक है, अगर नेजेरिया मेनिनजाइटिस को ग्रो करना है वी यूज द चॉकलेट एगार ओनली विदाउट एनी फैक्टर. ठीक है, तो स्पेसिफिक कल्चर मीडिया यूज करते हैं फॉर द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म. क्लियर, एंड देन वी यूज द क्वेलिंग टेस्ट एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी. ठीक है, आगे चले बेटा. yes, ठीक है, हमने कहा कि एक तो हमने कर लिया एक्यूट मेनिनजाइटिस. एक्यूट मेनिनजाइटिस कॉज बाय द एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो हमने तीन बताए, नेजेरिया मेनिनजाइटिस, स्ट्रेप नमूनिया, एच इन्फ्लुएंजा. अब हम बात कर रहे हैं सब एक्यूट मेनिनजाइटिस की बात करें. जब सब एक्यूट की बात करें, क्रॉनिक की बात करें या सब एक्यूट की बात करें, तो वी यूज तो दो ऑर्गेनिज्म है. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट आर आइसोलेटेड इन सब एक्यूट मेनिनजाइटिस इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड द फंगस विच इज अ क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड द फंगस विच इज नोन एज अ क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस दैट कॉज द सब एक्यूट मेनिनजाइटिस. ठीक है, अगर मैं माइकोबैक्टीरियम की बात कर रही हूँ तो पहला मेरा स्टेप होगा आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेन. मैं एसिड फास्ट स्टेन करूंगी, लेकिन मसला है क्या है कि इसमें हमें शायद नेगेटिव मिले क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत जो होते हैं फ्यू अमाउंट में होते हैं. तो बट वी गो फॉर द एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे. ठीक है, पहले स्टेनिंग कर लेंगे, देन वी गो फॉर द कल्चर विच इज द एलजी मीडियम, मैं बता चुकी हूँ आपको. एंड रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड 6 वीक, मिनिमम 6 वीक. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई. थर्ड वन इज द, अब यहाँ देख लें पहले आप. ठीक है, गो फॉर द एसिड फास्ट स्टेनिंग. तो आपको एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंदर ये बाकायदा बेसिलाई नजर आएंगे. ठीक है, इधर पिंक कलर, ठीक है, नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड होगा ड्यू टू द मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर का होगा. सिर्फ आपको जो बेसिलाई होते हैं ये बहुत रेयरली जो स्माइल पीपल नजर आते हैं, लेकिन ये कि इस पिक्चर ऑफ एसिड फास्ट. क्लियर हो गई बात. और जैसे एलजी मीडियम, ये एलजी मीडियम है हमारा. ठीक है, लेविन जॉनसन मीडियम, जेंसन मीडियम कहलाता है ये, फॉर द ट्यूबरक्लोसिस. और ये देखिए इसमें पॉजिटिव ग्रोथ आ रही है. ठीक है, व्हाइट कलर की बफिंग ग्रोथ होती है एलजी मीडियम में, लेकिन स्लो ग्रोइंग होती है. क्वाइट 6 वीक्स बहुत टाइम लग जाता है. तो हम एम्पायरिक ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अदर टेस्ट ना. ठीक है, तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी डेट कॉज द सब एक्यूट मेनिनजाइटिस इज द क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस. क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस जो होता है इज द फंगल ग्रोथ. उसके लिए हम कहते हैं यूज इंडियन इंक. ठीक है, इंडियन इंक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक हो जाता है. ठीक है, ये ब्लू कर लें, डार्क ब्लू. ठीक है ना, और उसमें हमें ना कैप्सुलेटेड नजर आता है ये आपका क्या क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस. और ये क्या चीज है, ये है बडिंग. ठीक है, ये जीस्ट है ना, इसमें बडिंग नजर आ रही होती है, जीस्ट फॉर्म में नजर आ रहा है. ठीक है ना, ये बडिंग आपको बाकी नजर आ रही होती है. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर फास्टेनिंग एलजी मीडिया स्पेसिफिक फॉर द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और द इंडियन इंक प्रिपरेशन फॉर द आइडेंटिफाई द क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस इज द फंगस दैट कॉज द सेप एक्यूट मेनिनजाइटिस. क्लियर हो गई बात. ठीक है ना, अच्छा जी, ये तो हमने बता दी कि जो हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं उसके लिए कि कल्चर कैसे, यानी कि पहले हमने ग्राम स्टेन किया था, हमने यहाँ पर ग्राम स्टेन किया था,
सॉरी ग्राम नहीं, अच्छा सही, इसमें हमने वही कहा कि क्वेलिंग टेस्ट किया, फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस किया, देन वी चूज द स्पेसिफिक कल्चर, देन वी गो फॉर द एसिडोप्लास्टिन फॉर द सबेक्टिक मेनिनजाइटिस कल्चर एंड द इंडियन इंक. इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में हम बता चुके हैं अगेन क्यूलिंग रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और जो हम टेस्ट यूज करते हैं लैटिक पार्टिकल एग्रीगेशन और काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंटीजन और एंटीबॉडी को. इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन हम वी प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं कैथोड और एनोड, उसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी को प्लेस करते हैं मीडियम में, ठीक है, देन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक होती है, ठीक है, सही है, जो स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के लिए होती है, देन दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स और प्रेसिपिटेशन. तो वहां पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है. इट इज नोन एज द इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. बट तो आवाज आ रही है? यस मिस. हेलो हेलो. ओके फाइन, ठीक है, इतना जी जी आवाज आ रही है बेटा ना? यस मिस, बिल्कुल क्लियर आ रही है. ओके ठीक है, अच्छा अब ये चीज क्लियर हो गई हमारे पास. अब नाउ इज द स्टूल कल्चर. अच्छा स्टूल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इंडिकेशन क्या है? अगेन एंटेरोकोलाइटिस, इट्स मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है. अब डायरिया हो रहा है, ये डायसेंट्री हो रही है, ठीक है, एंटेरोकोलाइटिस है, ये इंडिकेशन होता है स्टूल कल्चर का, ठीक है ना. ओके नाउ कम टू द पैथोजन. मोस्ट कॉमन पैथोजन इज शिगेला. इन द यूएसए की बात करें, यहाँ पर जो डेटा है वो यूएसए की बात कर रहे हैं हम लोग. शिगेला, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर एंड इकोलाई O157, ठीक है, ये स्ट्रेन होता है, इस वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. इट कॉज डायसेंट्री, ठीक है. तो हम क्या है पॉजिटिव एजेंट? शिगेला, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर जुजनाए एंड इकोलाई, ठीक है. कंपाइलोबैक्टर जुजनाए मोस्टली कॉज बाय द पेट्स एनिमल, ठीक है ना. तो अब हमारे भी कॉमन हो गया, लोग मोस्टली पेट एनिमल रखते हैं अपने पास कि कैट है, डॉग है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि डायरिया, दैट कॉज डायरिया, ठीक है. तो अब हम ये नहीं कहते यूएसए का डेटा है, तो हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है, ठीक है ना. तो शिगेला, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर जुजनाए एंड इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट बैक्टीरियल पैथोजन दैट कॉज द एंटेरोकोलाइटिस और द डायरिया. सो वी रिकमेंड द स्टूल कल्चर. तो पहले क्या होगा, पहले हम करेंगे डायरेक्ट एग्जामिनेशन. डायरेक्ट स्टूल लेंगे, स्टूल ले हम उसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप पे स्लाइड पे स्प्रेड करेंगे और अंडर द माइक्रोस्कोप, देन कवर विद द कवर स्लिप और अंडर द माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करेंगे. तो उसमें हमें क्या चीज नजर आएगी? डिफरेंट सेल्स नजर आएंगे. तो अगर स्टेन होता है ब्लू स्टेन, वी सॉ द लीकोसाइट, इट इंडिकेट द इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है. टॉक्सिनिक इंडिकेट करता है इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म का, इन्फेक्टिव है, ठीक है. देन गो फॉर द ग्राम स्टेन. अच्छा अब हम ग्राम स्टेन करते तो, लेकिन फायदा इसका इतना होता नहीं है. रीजन ये होता है कि उसमें नॉर्मल फ्लोरा भी होता है, तो उसमें हम लोग के लिए डिफ्रेंशिएट बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना. तो ग्राम स्टेन में से करते हैं, अगर हम एक मेथोडोलॉजी की हम बात करें कि हम पहले मैलिन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं, देन वी गो फॉर द ग्राम स्टेन, लेकिन इतना उससे हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, ठीक है. देन वी गो फॉर द सेलेक्टिव और द डिफरेंशियल मीडिया. ये आप बस याद कर लें कि जब सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया की बात होगी ना, तो आपने आंखें बंद करके जो नाम लेना है वो लेना है मैकॉनकी का, मैकॉनकी, ठीक है. वो पिंक कलर की प्लेट होती है हमारी, मैकॉनकी पिंक कलर की, ठीक है ना. तो हमारे पास यहाँ पर दो है मीडिया, एक है मैकॉनकी, एक एओसिन मिथाइलिन ब्लू एगार, ठीक है. फॉर द कल्चर ऑफ द साल्मोनेला एंड शिगेला अ सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम सच एज द मैकॉनकी और एओसिन मिथाइलिन ब्लू एगार इज यूज. समझ में आ रही है बात? मोस्ट कॉमनली मैकॉनकी यूज होता है. EMB हम बहुत कम यूज करते हैं या आपको हम बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, ठीक है. अब ये क्या है? ये है मैकॉनकी एगार, ठीक है, सही है. अब देखिए मैकॉनकी जो पिंक कलर का होता है, ठीक है. अब क्या हुआ कि हमने जब इनोकुलेट किया, इफ इट गिव द पिंक कॉलोनी ऑन द मैकॉनकी एगार, ये कॉलोनी समझ आ रही है, बहुत अलग से ये स्ट्रिकिंग हुई हुई है, ठीक है. हम जब कोई सैंपल लेते हैं ना, जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लेके मैंने इसको स्ट्रीक कर दिया इस एगार पे, देखिए स्ट्रिकिंग की हुई है अलग से, यहाँ भी स्ट्रिकिंग कर दी. अगर इट शो द पिंक कलर ऑन द मैकॉनकी एगार, इट मींस अ लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी. अच्छा पहली बात तो अभी याद कर ले, मैकॉनकी पे सिर्फ ग्राम नेगेटिव ग्रो करेगा, ग्राम पॉजिटिव ग्रो नहीं करेगा, ठीक है. इट्स अ सिलेक्टिव मीडियम, इट्स ओनली ग्रो द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, नॉट ग्राम पॉजिटिव. क्लियर? सिलेक्टिव हो गया, पहले हमने सिलेक्टिव की बात कर ली कि ओनली ग्रो द ग्राम
negative organ, not gram positive. ठीक है, दैट हमने कहा इज द डिफरेंशियल. ये डिफरेंशियल मीडियम है. डिफरेंशियल हम क्यों कह रहे हैं कि it would give the difference between the lactose fermenting or non lactose fermenter colony. ठीक है, lactose fermenter give the pink color on kiyega. ठीक है, कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा. और नॉन लैक्टोज होगा वो क्या देगा आपको? कलरलेस कॉलोनीज देगा या येलो कलर कॉलोनीज देगा. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ, ये तो मैंने एक ही एगार पे दो चीजें बता दी ना, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर और ये लैक्टोज फर्मेंटर. एग्जाम में लाजमी पूछा जाता है कि लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म कौन से और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म कौन से, ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है, यहाँ देख लें आप, अगर मैं इकोलाई की बात करी, क्योंकि मैं स्टूल की बात कर रही हूँ ना, अभी मैं स्टूल पे हूँ. ठीक है, तो स्टूल पे बात करें तो अगर देखिए, इट गिव द पिंक कॉलोनी. इकोलाई कौन सी देता है? पिंक कॉलोनी देता है. इट्स मींस अ लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म. एंटेरोबैक्टर इट गिव द पिंक कॉलोनी. ठीक है, सही है. साल्मोनेला एंड प्रोटीज गिव द येलो कलर कॉलोनी. क्लियर हो रही है बात? और द कलरलेस कॉलोनी. ठीक है, तो इट्स मीन इकोलाई इज अ लैक्टोज फर्मेंटर और साल्मोनेला शिगेला इज अ नॉन लैक्टोज फर्मेंटर ऑन मेकॉन्की एगार. क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और एगार यूज किया है, इज अ एओसिन मिथाइलिन ब्लू एगार, जिस नोन से ईएमबी एगार. ये अगर लैक्टोज फर्मेंटर है, ये लैक्टोज पॉजिटिव है, अगर लैक्टोज फर्मेंटर है, जैसे मैंने कहा था मेकॉन्की पे लैक्टोज फर्मेंटर जो होता है इकोलाई, इट गिव द पिंक कॉलोनी ऑन मेकॉन्की. लेकिन अगर मैं ईएमबी एगार की करूंगी, इट गिव द पर्पल और ग्रीन शीन कलर कॉलोनी. देखिए ग्रीन कलर आ रहा है आपको, पर्पल कलर नजर आ रहा है, तो ये कॉलोनीज का कलर होगा अगर मैं ईएमबी एगार यूज करती हूँ. लेकिन अगर ईएमबी एगार पे मैं बात करूँ लैक्टोज नेगेटिव या तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर की बात करूँ, एग्जाम्पल साल्मोनेला, ठीक है, इधर यहाँ पर कलरलेस कॉलोनी देगा. ठीक है, सही है. या यूं भी आप याद कर सकते हैं कि मेकॉन्की पे और ईएमबी में दोनों में गिव द पिंक कलर, यानी कलरफुल कॉलोनी दे रहा है. वहां पर पिंक दे रहा है, यहाँ पर ग्रीन दे रहा है. ठीक है, ग्रीन शीन कलर दे रहा है. और साल्मोनेला जो है कलर कॉलोनी दे रहा है बोथ इन मेकॉन्की एंड ईएमबी. ठीक है, तो इसे हम इजीली याद कर लेंगे. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेकॉन्की के ऊपर इकोलाई जो है इट गिव द पिंक कॉलोनी. ठीक है, एंड ईएमबी पर भी इट गिव द ग्रीन कलर कॉलोनी. ग्रीन शीन कलर कहलाता है इसको, शाइनिंग हो रहा होता है, तो इट गिव द ग्रीन शीन कलर. ठीक है ना, और पर्पल कलर इन ऑन ईएमबी. ठीक है, बट लैक्टोज नॉन फर्मेंटर जो होते हैं, जैसे साल्मोनेला शिगेला है, ठीक है, इट गिव द कलरलेस कॉलोनी ऑन मेकॉन्की और ईएमबी एगार. ये आपको इस लाजमी याद करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि लैक्टोज फर्मेंटर कौन से, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर कौन से. एग्जाम में मेकॉन्की एगार आपको दिखाया जाएगा, EMB एगार भी शायद आ सकता है, एओसिन मिथाइलिन ब्लू एगार, तो उस पर वो आइडेंटिफाई आपसे करवा सकते हैं कि इज अ लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर. तो आपको बताना चाहिए जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होंगे इट्स कलरलेस, और जो लैक्टोज फर्मेंटर होंगे वो कलरफुल कॉलोनी होगी, इट्स मीन्स अ पिंक कॉलोनी. अब इसके आपको ऑर्गेनिज्म की लिस्ट बताना चाहिए जो आपकी बुक पे है. ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए. हमने कहा कि पहले हमने क्या किया कि हमने स्टूल लिया, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर ली हमने. ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करने के बाद क्या, वी यूज अ सिलेक्टिव मीडिया, जो हम बता चुके हैं, मेकॉन्की ले लेंगे, ईएमबी ले लेंगे, फिर उस पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये लैक्टोज फर्मेंटर है, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है. ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप, जो लास्ट स्टेप होगा, समझ में आ रही है बेटा? ये देखें, फीसिस ला आपने, यानी स्टूल लिया, स्टूल को आपने क्या किया, पहले आपने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की. ठीक है, देन सेकेंड स्टेप या तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करने के बाद आप कल्चर करेंगे इन द सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया. कौन सा दो बताया मैंने आपको? एक बताया मैंने आपको मेकॉन्की, एक मैंने आपको बताया ईएमबी एगार. उसके बाद जो हमें आइडेंटिफाई होगी कि भाई ये लैक्टोज फर्मेंटर है, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, देन वी गो फॉर द लास्ट स्टेप व्हिच इज टीएसआई, ट्रिपल शुगर आयन एगार. हम ट्रिपल शुगर आयन एगार के ऊपर लगाएंगे. ठीक है, अब क्या होता है इसमें, दो चीजें होती है. वन, आप दो मिनट रुक जाइए बेटा, मैं अजान दी, मैं थोड़ा सा वेट कर लें. Yes, miss.
ओके ठीक है. अब लास्ट स्टेप भी ट्रिपल शुगर आयन एगार. ठीक है, ट्रिपल शुगर आयन एगार में हमारे पास ये होता है. ठीक है, इसमें जब ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट करते हैं दो चीजें होती है, एक होती है स्लांट, ये स्लांट है ठीक है, ये बट है ठीक है सही है. अगर स्लांट आपको क्लियर नजर आ रहा है बेटा, कलर नजर आ रहे हैं आपको सारा? यस मिस, आ रहे हैं सारे कलर नजर आ रहे हैं. सही है, तो स्लांट अगर ये रेड कलर का होगा तो ये दोनों अल्कलाय होंगे. ठीक है, अगर येलो कलर का होगा तो इट्स मीन ये एसिडिक है. ठीक है ना, तो थोड़ा सा कहता है ठीक है ना. तो अगर अल्कलाइन होगा ठीक है, अगर इकोलाय में दोनों एसिडिक होते हैं, स्लांट भी एसिडिक है और बट भी एसिडिक है ठीक है, और सामनेला होगा तो अल्कलाइन होगी. ये जो ब्लैक कलर नजर आ रहा है इट्स एच टू एस प्रोडक्शन. ठीक है, एच टू एस प्रोडक्शन, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा. ठीक है, एसिड स्लांट एसिड बट इट्स मीन इकोलाय पॉजिटिव. ठीक है, अल्कलाइन स्लांट एसिड बट प्लस गैस प्रोडक्शन इट्स मीन साल्मोनेला पॉजिटिव. ठीक है, और प्रोटीज पॉजिटिव. अल्कलाइन स्लांट एंड एसिड बट नो गैस प्रोडक्शन इट्स अगेन साल्मोनेला टाइप ही पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है, और शिगेला पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रिपल शुगर आयन एगार. एग्जाम में आ सकता है कि टी एस आई ऑन द बेसिस ऑफ द टी एस आई में अल्कलाइन बर्ड होती है और H2 ये क्या चीज है, आपसे हम मार करके पूछ सकते हैं कि ये व्हाट इज दिस H2S प्रोडक्शन. और ये देखिए यहाँ पर गैस प्रोडक्शन नजर आ रही है आपको, ये प्लेन एरिया नजर आया ना, ये देखिए ये अब हुई जगह सॉरी हाँ चला गया ना, ये गैस प्रोडक्शन. ठीक है, ये H2S प्रोडक्शन है और ये गैस प्रोडक्शन. ठीक है, ओके अच्छा जी, ये मैं थोड़ा इसको ये देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो ये स्लाइड है, मैं स्किप करी आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं. बस में एक चीज इंपॉर्टेंट है अगेन की कंपाइलर बैक्टीरिया के लिए हम यूज एगार. ठीक है, अगर इकोलाय का स्ट्रेन है O157 ठीक है, सो इट डू नॉट फर्मेंट द सॉर्बिटोल एंड अपीयर एज अ कलरलेस कॉलोनी. ठीक है, अगर टिपिकल इकोलाय स्ट्रेन होगा तो इट फर्मेंट द सॉर्बिटोल, इट अपीयर रेड. ठीक है, ये बस याद करने वाली चीज है, ये आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ना. ओके, यूरिन कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइंड अप होने वाला है, टाइम तो हो गया मुझे खत्म करना है, मैं मुझे लेट टाइम दिया लोगों ने, कंप्लीट होने तो बेटा खत्म हो जाए, इंपॉर्टेंट ये आप लोग फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये रिपीट होंगे लेक्चर्स. आप मुझे बता दें टाइम तो अब हो गया, मुझे कवर करने देना. ठीक है, 10 मिनट दे दे, बस 10 मिनट इंशाल्लाह कवर हो जाएगा ये. ठीक है, यूरिन कल्चर में इंडिकेशन क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस सिस्टाइटिस और यूटीआई. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है, इकोलाय एंटेरोबैक्टर प्रोटीएस एंटेरोकोकस फेकेलिस. ठीक है, हमने यूरिन कलेक्शन करनी है, मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है. ठीक है, सही है, और सुप्रापुबिक एस्पिरेशन भी हम कर सकते हैं, सेटराइजेशन भी कर सकते हैं. ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि आफ्टर 1 आवर आपने प्रोसेस करना होता है, विद इन 1 आवर प्रोसेस करना होता है. स्टोर हम कैसे करेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे, नॉट देन 18 आवर्स. ये मैं बता चुकी हूँ आपको. ठीक है, अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है और बैक्टीरियल काउंट इसका 100,000 पे आ रहा है पर ml, इट मीन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया. ठीक है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया. ठीक है, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, अगर 100 per ml भी आ रहा है बैक्टीरिया इट्स काउंट बैक्टीरियल काउंट इट्स मीन पेशेंट बैक्टीरिया है. क्लियर हो रही है बात, अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है और देन उसका काउंट अगर 100,000 आ रहा है देन वी से इट्स अ बैक्टीरिया या पेशेंट फ्रॉम द यूटीआई. ठीक है, असिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर हम लोग 100 per ml को भी कंसिडर करते हैं. जेनाइटल ट्रैक पे ज्यादा बस आपको ये पता होगा कि कहाँ कहाँ से करनी है हमने, यूरेथ्रल कैनाल, सर्विक्स फ्रॉम फॉर द वुमेन, एनल कैनाल फॉर द वुमेन बोथ, और द यूरेथ्रल डिस्चार्ज फॉर द पेनिस स्पेसिफिकली यूज. ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वहाँ पर निसेरिया गोनोरिया है. इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये एग्जाम में आता है, इंट्रा सेलुलर डिप्लोकोकाई विद इन द न्यूट्रोफिल. ये आपको पता होना चाहिए बस. ठीक है, इंट्रा सेलुलर मिल रहे हैं डिप्लोकोकाई इट्स मीन इज द नजेरिया गोनोरिया. ठीक है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मिल रहे हैं तो इट्स मीन नॉन गोनोकोकल कोलाइटिस. ये इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, मैं इसको स्किप कर रही हूँ. अच्छा, क्लेम आइडिया के लिए हम एलाइजा करते हैं, डीएनए करते हैं, ये हम आगे आएंगे आपको इंशाल्लाह. बाकी ये देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने वाली बातें. अच्छा, बस मुझे ये बतानी थी आपको, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में हम लोगों ने करवाया था क्वेलिंग रिएक्शन. क्वेलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि एंटीबॉडी अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये देखिए आपकी कैप्सूल है, कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है. ठीक है,
इसमें जब हमने एंटीबॉडी ऐड की, बिफोर द एंटीबॉडी देखें स्वेलिंग नहीं आ रही, ठीक है, कैप्सुलर स्वेलिंग. जब इसमें हमने एंटीबॉडी ऐड की तो दिस स्वेलिंग कैप्सूल, इट इज नोन एज अ क्वेलिंग रिएक्शन. ठीक है, बता चुकी हूँ आप. ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म हमारे सारे. नाउ थर्ड इज द एग्लूटिनेशन, मीन क्लंपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन होगा इट कॉज द क्लंपिंग विच इज नोन एज द एग्लूटिनेशन. ये देख लीजिएगा आप मुझे. लास्ट वन इज एलाइजा. एलाइजा इज अ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड. ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सिर्फ देख लें आप ताकि मैं वाइंड अप करूं. ठीक है, इमोबिलाइज आपकी एंटीजन होगी, आपके पास नॉन एंटीबॉडी होगी दैट इज कॉन्जुगेट विद द एंजाइम. ये एंटीबॉडी एंटीजन है, एंटीबॉडी दैट इज लिंक विद द एंजाइम. ठीक है, ये एंजाइम से लिंक्ड हुई हुई है. ठीक है, वी ऐड द सबस्ट्रेट. अब हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट ऐड किया. अगर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन चुका है और देन वी ऐड द सबस्ट्रेट, इट गिव द कलर. ठीक है, इट गिव द कलर विच इज क्वांटिटिफिकेशन. ठीक है, तो इट इज, इट्स मीन द टेस्ट इज पॉजिटिव. ठीक है, अगर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स नहीं बना होगा और उसमें हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो कोई भी सिग्नल नहीं आएगा. ठीक है, कोई भी कलर नहीं आएगा. इट इज नोन एज, यानी इट्स मीन नेगेटिव. ठीक है, तो इट्स मीन द टेस्ट इज यूजफुल टू डिटेक्टिंग द बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन. हम एलाइजा बहुत कॉमनली यूज करते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और फ्लोरोसेंस मैं बता चुकी हूँ, दिस इज द एंटीजन एंटीबॉडी दैट बाइंड विद द फ्लोरोसेंस डाई. ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, इससे क्या चीज बाइंड है, फ्लोरोसेंस डाई बाइंड है. और जब इनका रिएक्शन होगा, ठीक है, अगर ये रिएक्शन हो गया, इनका कॉम्प्लेक्स बन गया, देन वी सी अंडर द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप. We see under the fluorescent microscope. So we say it's a fluorescent antibody test. The antibody hogi, antigen hai, and antibody bind with the fluorescent dye. ठीक है? Okay. खत्म. बस then ये बस आप देख लीजिए, इसमें इतना important नहीं है. Nucleic acid में हम लोग use करते हैं mostly PCR. ठीक है? Clear? Okay, fine. Wind up हो गया. आप बता दीजिए, मुझे question है, कोई query है, मुझे बता दीजिए. हम slide देंगे वाली presentation. हाँ बेटा, लेकिन मैं किस तरह से, मुझे आईडिया नहीं कि मैं तो लेक्चर हॉल में आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो ये आई थिंक आईटी वाले करेंगे या क्या, कौन करेगा? मैं इसी में अगर अपनी जो चैट में आपको अपनी ईमेल आईडी भेज देती हूँ तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें. हाँ, ये ठीक है, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दें. ठीक ठीक है. ओके, क्वेश्चन है तो बेटा बता दें स्टूडेंट से, क्योंकि मुझे चैट. अच्छा ठीक है, उमर एंड सभी के रिवाइज PPT दिखा सकती हैं, थोड़ा समझ नहीं है. क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? ओ सारा, ये कौन है बेटा? इसी मैंने अपनी वो भेजी है, ईमेल आईडी भेजी है. ये तो आपने इससे पहले जो कौन कहे कि क्या चीज समझ में नहीं आया इनको, मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं, मुझे आईडिया नहीं हो रहा किस तरह इसको ऑपरेट करना है ना. नहीं, वो मैं वो सिर्फ स्लाइड्स का ही कह रहा था ताकि जो है वो रिवाइज कर सके ऊपर. और ऊपर जो फादर ने मैसेज किया है, मैंने उसका सवाल आपसे बीच में पूछ लिया था. अच्छा ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन बता दें ताकि मैं अभी क्लियर कर दूं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है लेबोरेटरी डायग्नोसिस. अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं डिटेल में नहीं गई हूँ, वो हम लोग बाद में न्यूरोलॉजी में कंप्लीट करवाएंगे. जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे ना, उस पर हम कवर करवा लेंगे. ठीक है ना, सही है. ओके मैम. ओके, मैं क्लोज कर रही हूँ. ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन तो नहीं है, क्लियर है? यस मिस. ठीक है, ओके बेटा, फिर मैं आपको ना ईमेल कर देती हूँ. सही है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू मिस.